नमस्कार, देसी व्यंजन चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बिल्कुल बाजार जैसी गाढ़ी रबड़ीदार आइसक्रीम घर पर बनाऊंगी, जिसे बनाना बिल्कुल आसान है। यह आइसक्रीम खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है। सिर्फ 2 कप दूध से यह आइसक्रीम झटपट बनकर तैयार हो जाती है। यह आइसक्रीम बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को काफी पसंद आती है। तो चलिए शुरू करते हैं। आइसक्रीम बनाने के लिए मैंने 2 कप गाय का दूध लिया है। आप कोई भी दूध ले सकते हैं। दूध को तेज आंच करके उबाल लेना है। 2 मिनट तक दूध को तेज आंच पर बॉईल कर लिया है। अब दूध में 3 चम्मच मिल्क पाउडर मिला देना है। दूध को लगातार चलाते रहना है, नहीं तो गुठलियां पड़ जाएंगी। गर्मियों में ठंडी ठंडी आइसक्रीम सभी को पसंद आती है, तो इसे आप लोग एक बार जरूर बनाएं। दूध को लगातार चलाते रहना है। 3 चम्मच मिल्क पाउडर दूध में मिला दिया है। अब इसमें दूध की मलाई को मिला देना है। दूध की मलाई फ्रिज में तो रखे ही रहते हैं। मलाई से हमारा आइसक्रीम काफी रबड़ीदार बनेगा। दूध में मलाई को अच्छी तरह से मिला लेना है। फ्लेवर के लिए मैंने 1 पिंच इलायची पाउडर मिला दिया है। आप वनीला एसेंस भी मिला सकते हैं। तीन चम्मच चीनी मिला देना है। मीठा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं। दूध में चीनी को अच्छी तरह से मिला लेना है। चार पांच काजू और बादाम को बारीक काट लिया है। थोड़े से काजू और बादाम को दूध में मिला देना है। थोड़े से बचा कर रख लिया है, इससे गार्निश कर लेंगे। अब दूध को थोड़ा सा ठंडा करके एक ब्लेंडर में डाल देंगे। 1 मिनट के लिए पल्स मोड में इसे चला लेना है, ताकि जो भी गुठलियाँ हैं वो ख़त्म हो जाए। घर में रखे सामानों से ही यह आइसक्रीम बनकर तैयार हो जाती है। बिल्कुल चिकना घोल बनके तैयार हो गया है। अब इसे जमाने के लिए मिट्टी के पॉट में डाल देना है। यदि आपके पास आइसक्रीम मोल्ड है तो आप इसमें भी डालकर जमा सकते हैं। जितने बचे हैं सभी को मोल्ड में डाल देना है। इस मज़ेदार आइसक्रीम को एक बार आप लोग जरूर बनाएं, घर में सभी को काफ़ी पसंद आएगी। बच्चों की तो ये फेवरेट है। सभी दूध को हमने मोल्ड में डाल दिया है। थोड़े से काजू और पिस्ते से इसे गार्निश कर लेना है। गर्मियों में ये ठंडी आइसक्रीम काफ़ी अच्छी लगती है। सभी को गार्निश कर लिया है। अब मोल्ड को लगा देना है। यदि आपके पास आइसक्रीम मोल्ड नहीं है तो कागज़ या प्लास्टिक के जो ग्लास आते हैं छोटे छोटे, उसमें भी जमा सकते हैं। मिट्टी के पॉट को एल्यूमिनियम फॉयल से ढक देना है। एक रबर बैंड लगा देना है, इससे आइस क्रिस्टल नहीं बनेंगे। दोनों को इसी तरह से ढक लेना है। इसे जमने के लिए 6 से 7 घंटे तक डीप फ्रीजर में रख देना है, या रात भर के लिए भी रख सकते हैं। इसे मैंने रात भर के लिए डीप फ्रीजर में रख दिया था। अब इसे खोल लेती हूँ। ये देखिए, बिल्कुल गाढ़ी रबड़ीदार आइसक्रीम बनकर तैयार है। ये देखिए, बिल्कुल अच्छे से ये जम गई है। अब आइसक्रीम मोल्ड से भी निकाल लेती हूँ। ये देखिए, ये बिल्कुल बाजार जैसी आइसक्रीम लग रही है ना। खाने में ये कई गुना ज़्यादा स्वादिष्ट हैं। सभी को मोल्ड से निकाल लेती हूँ। ये देखिए, ये कितने सुंदर लग रहे हैं। बच्चों की तो ये फेवरेट है, और इसे बनाना भी कितना आसान है। पॉट से भी हम चम्मच से निकाल सकते हैं। गर्मियों के मौसम में इस आइसक्रीम को एक बार आप लोग जरूर ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें, और मेरे चैनल देसी व्यंजन को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।